इतनी बड़ी मैंने कभी गलती कर दी क्या हुआ कि, और इसकी वजह से ये लोग सब लोग खड़े रहे, 1 घंटे तक खड़े रहे। Hey everyone, welcome back to my vlog. So, आज हम लोग एक शूट करने जा रहे हैं और इसी पे मैं अपना ये व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कोई कंटेंट नहीं समझ में आ रहा था। बट आज फाइनली मुझे एक कंटेंट मिला है और वो ये है कि मैं अपने यूट्यूब के लिए या फिर मेरा जो दोस्त है उसके यूट्यूब के लिए शॉर्ट फिल्म हम लोग शूट कर रहे हैं। डायरेक्टली उसको रिलीज करेंगे यूट्यूब चैनल पे, और वो किसके यूट्यूब चैनल पे रिलीज होगा अभी ये फाइनलाइज नहीं है। क्या पता मेरे पे हो या फिर क्या पता मेरे दोस्त के पे हो। तो अभी मेरे 3-4 दोस्त लोग आएंगे और हम लोग शूट शुरू करेंगे। सो देखना ये है कि इस बार जो मेरी शॉर्ट फिल्म है वो कैसी बनती है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने अपने फ्रेंड के साथ जो शॉर्ट फिल्म की थी, क्राइम ड्रामा थी, वो भी काफ़ी अच्छी गई थी, काफ़ी बढ़िया बनी थी। बट उसमें कुछ कमियां रह गई थी जो कि मैं सोच रहा हूँ इस बार उसको इम्प्रूव करूँ, अपनी एक्टिंग स्किल्स में भी और एडिटिंग में भी। बट एडिटिंग पिछली बार भी बढ़िया थी, ऐसी बार नहीं है, एडिटिंग पिछली बार भी अच्छी थी और स्टोरी भी बढ़िया थी। बट कहीं कहीं कमी रह गई थी जिसको इस बार हम लोग क्या कहते हैं उसको उस कमी को दूर करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट और एडिटिंग, म्यूजिक सब कुछ तैयार है, बस देखना ये है कि इस बार की जो ये शॉर्ट फिल्म है ये कैसी बनती है। तो वो लोग मेरे दोस्त लोग जब तक आ रहे हैं तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी कॉलेज से आया हूँ, बिल्कुल आराम नहीं किया, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आते हैं फिर स्टोरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपना शॉर्ट फिल्म की शूट के लिए। और हाँ, उससे पहले एक चीज आप लोग को क्या करनी है, आपको पता होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। नीचे आपको बेल आइकन जो रेड कलर का दिख रहा होगा उसको प्रेस करके ग्रे कर दो और गिव अ लाइक और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तो लेट्स गो। फाइनली अब हमारा शूट स्टार्ट होने वाला है। इतनी बड़ी मैंने कभी गलती कर दी क्या हुआ कि मैं कॉलेज से आया था, मैंने सबको बुला लिया था कि शूट है और सब लोग 2:30 पे आके खड़े हो गए और मैं सो गया। मेरी आंख लग गई यार, इतनी तेज धूप में इतनी बढ़िया नींद आती है यार, एसी चला के मैं सो गया और मेरी आंख लग गई। और इसकी वजह से ये लोग सब लोग खड़े रहे, 1 घंटे तक खड़े रहे यार, और आज मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं सो गया। बट अब ये है कि अब सब वापस आ गया, अभी वापस सब घर आ गए और हम लोग शूट अपना शुरू कर चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े को चेंज करने, जो भी मेरा कैरेक्टर है उसको उसके लिए कपड़े पहनने, और गोइंग टू स्टार्ट विद द शूट। सो अब बस खाली मैं बाल का मेकओवर रह गया करना। मगर यार मैं आज भी अभी मुझे यकीन नहीं हो कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी ज़्यादा बड़ी कि साला मैंने उन लोगों को बुला लिया और मैं सो गया। वो ये लोग 1 घंटे तक वेट कर रहे हैं और मैं बढ़िया से सो रहा हूँ। ये तो बस कह सकते कोइंसिडेंस था कि मेरी आँख खुल गई, वरना अगर मेरी आँख ना खुली तो मैं 5 बजे उठा होता तो मुझे आता था कि अरे यार मेरे तो शूट था आज, और ये लोग जाके सब बैठे हुए थे यार, ये लोग बाहर जाके वेट कर रहे थे इतनी गर्मी में। खैर चलो जो भी है, फाइनली अब हम लोग अपना शूट शुरू कर चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कमेंट जरूर कर देना ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो प्लीज मुझे अब तैयार होना है, तो 1 सेकेंड करो। तो मैं तैयार हो चुका हूँ अपने शूट के लिए और ये मेरा गेटअप है जो कि आप देख सकते हो, एक सूट और टी शर्ट, एक बिजनेसमैन वाला लुक है मेरा। तो अब मैं जा रहा हूँ शूट करने के लिए और उस बीच के जो मोमेंट्स हैं उसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको शायद पसंद आएंगे। अच्छा कि एक चश्मा ज़रूर लगा लें, क्योंकि चश्मे के बिना बिजनेसमैन का लुक जो है वो कंप्लीट नहीं होता। सो या कह सकते हैं कि बढ़िया लग रहा है। ओके सो लेट्स गो, वरना जो बाल हैं वो सेट जो किए वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमारा एक दोस्त आ चुका है विशाल, रिसीव कर ले। विशाल भाई का फोन आया, वो पोजीशन नहीं, ये पोजीशन है, ये जैसे बैठे ये बैठे भाई उधर गया,
तो ये इधर से साइड की तरफ देखना, एक बढ़िया सा एटीट्यूड वाला, हल्का सा गुस्सा रिएक्शन देखना है बस। ये जैसा भाई का फोन है, क्या वो ठीक है? नहीं यार थोड़ा गड़बड़ है अभी। अच्छा ठीक है, चलो अभी देखते हैं। ले ब्लेजर रखा है मेरे पास, ब्लेजर है, एक ब्लेजर पहना है इसी में बस इसी तरह। स्क्रिप्ट को कैसे मैनेज करना है, तो फिर अभी और फिर भी कब तक आने का सीन है? शिवाय आदित्य भाई, तो फिर प्रिपरेशन चल रही है, एक दो क्लिप हो भी गई है अभी, डोट अभी थोड़ा होल्ड है एवरेस्ट का, फिर बनाया जाए भाई। ऑडियो भेज देना यार, ऑडियो नहीं भेजते हो, ये बंदा ऑडियो नहीं भेजता, पूरी वीडियो भेज देता है। अब उस वीडियो का करे तो करे, क्या नहीं समझ में आता हमारा उसको, फिर आप सब भी रिक्वेस्ट करो भाई, भाई ऑडियो भेज देना, तो फिर अब बोल दिया ऑडियो भेज देगा। ठीक है भाई, तो फिर बाय, जा रहे रील बनाने, अभी कुछ टाइम बाद आते हैं। तो फिर अभी फाइनली डे वन की शूट आज खत्म हो गई है, और यहाँ पे शिवाय भाई, कैसा रहा आज का मतलब शूट? एक नंबर रिया कैसी है? और विलेन, तो फिर आज कैसा लगा होगा आज का शूट? मतलब अच्छा लगा, और अभी बस आपकी ये मास्क पहनने की वजह, वो अभी विलन को छुपाया रहे, अभी विलन छुपा है, चेहरा छुपा है, और विलन निकलेगा सीधा पुष्पा की तरह, लेकिन विलन झुकेगा नहीं। हाँ नहीं सही है, क्यों? हाँ नहीं देख रहा था इसे। अभी वैसे कितना शूट रह गया बाकी है? अभी कुछ बाकी है, कुछ नहीं है भाई, अभी ये एंट्री तक ही नहीं है। मिस्टर आगे तो देवेंद्र भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या आज? मजा आई बस भाई, ऑडियो भेज देना और कुछ नहीं, ऑडियो अच्छा इससे ज्यादा कुछ नहीं, अपनी दुकान उधर है। पी थी रविया, पानी पिला दो, ठीक है भैया पी लो। फिर उसके बाद कह रहा है हम आधे घंटे वेट किए थे, हाँ वो भी वेट किया, फिर अभी आप जाएंगे तब जाएंगे, हम क्या भाई हम पता नहीं कब जाएंगे। तो फिर शूट खत्म ही हो गया, राइडर आ रहा है, तो फिर अब हम चलते हैं। तो फिर कल डे टू, कल शूट है कि नहीं है? कल तो होगा ही, अच्छा कल नहीं है, कल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे राइडर आ रहा है? बस आ गया, सब तुम्हें कभी वो सब होगा नहीं बॉडी में, और उसका पूरा ट्रीटमेंट वही देगा कंपनी ही मार बोलो। सही सही है, ऑडी है, ऑडी तो भाई वो कहाँ गया? चला जाए क्या फिर, निकला जाए, निकले फिर जा रहा, मैं भी फिर बिजी जाएंगे, इधर क्या आ गया वो आ जा रहा है यार, ये 3 मिनट हो गया, अभी 1 मिनट बता रहा था, तो ज्यादा ही लेट हो गया आज। प्रैंक करें राइडर के साथ, बरो बरो प्रैंक सही रहेगा करना। हाँ हेलो, पता चला है ही नहीं। हाँ भैया कहाँ पे हैं? भैया जहाँ पे भी हो वहीं वहीं रहिए भैया, हम खुद आ रहे हैं। भैया हेलो, जल्दी आइए भैया, भैया प्रेग्नेंट है भैया, एक लोग जल्दी आ जाइए भैया, हॉस्पिटल ले जाना है भैया, जल्दी आइए। तो पता चला प्रेग्नेंट ही नहीं, जूता पड़ेगा बिकस पे। अरे भैया वो किसी और से चल रही है। सही है भाई, लाइटिंग क्या है भाई, आईफोन यही क्या है भाई, लाइटिंग सही है जो दे दिया है फीचर, फोकस
ये ओला में आओगे तो चारबाग से यहाँ तक ही पड़ता है, गोमती नगर तक ही जितना मैंने सुना देखा 300 अप्रोक्स तो पड़ता है भाई, 300 पहले नीचे चला गया चूतिया है। हम कितने में आए अभी? 130 या 140 में आए। अबे सही है, चलो भाई ठीक है, मुलाकात होती है। हमको तो पता ही नहीं था यार, नहीं वो दूसरे वाले से चला बाय। सो फाइनली आज का दिन हुआ खत्म, शूट खत्म हुआ है, दिन नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ घर, शूट हो चुका है कंप्लीट, अभी थोड़ा शूट बाकी है, कह सकते हैं 60% शूट बाकी है, और मज़ा आया। अब बस इंतज़ार है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म का, क्योंकि ये वाली जो शॉर्ट फिल्म है इस पर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, तो अगर बढ़िया बने और बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाकी अब देखना है कि शाम का क्या सीन है, क्योंकि यार जब शूट हो जाता है ना तब घर पे बैठ के बोर होना बहुत 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 इरिटेटिंग लगता है। तो घर आ गया, ओके, बैक टू होम। देखते हैं केशव कितनी जल्दी आ गया भाई। हाथ दिखाओ एक बार, चला हाथ नहीं दिखाया तुमने, हाथ दिखाओ एक बार हाथ। अभी तुम्हारा शूट करेंगे इस पे, तुम्हारे लोगों ने होली वाला देखा है ना। हाँ आओ आओ दिखाएं, आओ वो रख दिया कोट, रख दिया अंदर कोट, कोट जो था कोट रख दिया। कहाँ रखा है, कोई अभी बैठा हुआ क्या अभी? अब वहीं बैठा है। अच्छा ओके। अरे जेकी जेकी बाबू इज स्लीपिंग, इसका तो फिर से मस्सा आ गया वही वाला है मुंह पे। लाइट चली गई, कहाँ जा रहे हैं? आज का जो शूट था वो तो हो गया खत्म, और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर आराम करने। फोन की चार्जिंग भी जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है, तो इसको मैं चार्ज पे लगाऊंगा, और थोड़े आराम करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा जिम करूंगा, क्योंकि 7 बज चुका है और सोना भी है, बहुत थक गया यार लिटरली। मज़ा तो आज सबसे ज़्यादा ये आया कि मैं कॉलेज से एक तो थका आया, ऊपर से मैं सो गया, और मुझे पता नहीं था कि शूट है, सोते टाइम मुझे पता नहीं था, बाकी मुझे पता था कि शूट है, बट सब लोग आने वाले थे, आदित्य और विशाल, और मैं सो गया तो इतनी गहरी नींद में था कि मैं एकदम लिटरली भूल गया कि आज कोई शूट कोई आने वाला है, और ये दोनों लोग बेचारे बाहर वेट करते रहे, 1 घंटे तक वेट किए। वो तो मैं एकदम से सडन उठा और बस देखा कि अरे यार शेट, इतनी कॉलें पड़ी थी, 12 कॉल दोनों लोग की पड़ी हुई थी। अच्छा है दोनों लोग आ गए, कोई नौटंकी नहीं हुई, आराम से शूट भी हो गया। बट अब मैं जा रहा हूँ सोने। बाकी यार मुझे लग रहा है कि मेरे फेस में थोड़ी सी रैशेस टाइप की आ रही, तो मैं इसका मुझे एक बार दिखाना पड़ेगा क्या है, क्योंकि मैं फेस वॉश जो यूज़ कर रहा हूँ मुझे लग रहा है उसकी वजह से ही जो रैशेस पड़ रहे हैं, तो क्या पता उसी वजह से हो। तो कोई नहीं, मैं इसको चार्ज पे लगा लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड इट्स टाइम टू एंड द ब्लॉग, क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं और सोने का टाइम हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन होप यू गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड